हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर इन आवर 2 PM क्लास। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं अपने मॉर्निंग के क्लास के डिस्कशन के बेसिस पे। तो आई गेस आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा अपने मॉर्निंग वाले वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन क्वेश्चन आंसर का, जो कि बेस्ड है किस पर, हमारा बेस्ड है मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो देखिए यहाँ पर अगेन मैंने पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन लिए हुए हैं और जो UPSC में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा इन्फ्लेशन के भी कुछ टॉपिक्स हैं और बैंक्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल हम लोग केवल और केवल मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक्स को ही देखेंगे, बाकी जो बचे हुए होंगे वो आगे हम लोग देखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज कर दिया जाए, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो भी है वो डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए इंटरेस्ट रेट अगर घटा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि पॉलिसी कैसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो उस हिसाब से वो कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे, उस हिसाब से वो खरीदारी वगैरह करना शुरू कर देंगे। तो ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो देखिए डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कि इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, नो 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 नो, इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन कम कर दिया जाएगा। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, तो टोटल सेविंग का कोई मतलब नहीं है, टोटल सेविंग तब होती है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए MSF रेट के बारे में बात कर रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया ही था रातों रात, और RBI जो होती है फायदा उठा रही होती है इसका। तो समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज़, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बोलता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद द बैंकिंग ऑपरेशंस, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द फैसिलिटी या फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज कैन गेट फ्रॉम द बैंक सर्विस, बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, बैंक साथी। तो देखिए ये मतलब एक गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई थी और उस स्कीम पे बेस्ड करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन है। बैंक साथी का मतलब यही है कि हर तरीके के बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अवेयरनेस, कुछ भी कराना है गांव में लोगों को तो इन लोगों के द्वारा करवा दिया जाता था। तो इन एनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडियरी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज, बिल्कुल करेक्ट है। एट इन एनेबल्स द बेनिफिशियरी इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जो SLR वगैरह हम लोगों ने करके रखा हुआ है बैंक में, उसकी क्या जरूरत है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमें क्या है, एश्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है कि बैंक फेलियर नहीं होगा। तो ऑप्शन जरा पढ़ते हैं, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल सही बात है, RBI इस पे कंट्रोल कर रही होती है। सेकेंड स्टेटमेंट टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, बिल्कुल करेक्ट है, सेफ किया जाता है, लिक्विड रखा जाता है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि लोन के फॉर्मेट में इनको पैसा नहीं देने दिया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशियंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, अगेन सेम स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, चारों इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्लियर, फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यस, फिफ्थ क्वेश्चन, द RBI रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन द मैटर ऑफ, किन किन चीजों में RBI रेगुलेट कर रही होती है, तो हर एक चीज में, मतलब मर्जर हो रहा हो, चाहे वाइंडिंग अप हो रहा हो, ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा हो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो रही हो, हर जगह RBI मॉनिटर कर रही होती है, चीजों को देख रही होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करें, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, बैंक रेट के इंक्रीज अगर हो रहा है यानी कि पैसा हटाया जा रहा है, बैंक अब ज्यादा पैसा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्या होगा इससे कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होगा, नहीं भाई बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक अब जो होती है लोन नहीं दे रही है, लोन दे रही है महंगा हो गया है, सीधी सी बात है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मॉनेटरी पॉलिसी, नो 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 नो, इजी मॉनेटरी नहीं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, और वही ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग में भी बात किया था, तो ज्यादा कुछ खास नहीं मैंने बताया था, और मैंने बोला था कि बाद में मैं बताऊंगा, तो बाद में बताएंगे हम लोग, इस पर बात भी करेंगे। खैर
प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है हर एक सेक्टर जो भी बैकवर्ड है या फिर प्राइमरी सेक्टर है, जैसे एमएसएमई हो गई या फिर एग्रीकल्चर हो गई, वीकर सेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये सारा का सारा हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑल करेक्ट। एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, जनरल प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कि राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस के बढ़ जाने का मतलब क्या है कि मार्केट में उस चीज की डिमांड एंड सप्लाई काफी ज्यादा मिसमैच हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा तभी लोगों के पास सब मतलब डिमांड ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर सामान की सप्लाई को कम कर दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यस डिमांड तो इफेक्ट हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से, डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर क्या है, इन्फ्लेशन का टॉपिक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं और हम लोग बाद में देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखिए, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, अगर मान लीजिए इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी बढ़ते आ रहा है और सप्लाई कम है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन आएगा, दैट मींस क्या होगा, फॉल इन द प्राइस लेवल, नो बल्कि राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जहां पर जो होती है डिमांड ज्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो उस हिसाब से वो बिडिंग करना शुरू कर देंगे। डिक्रीज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 11 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद बैंक, तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड असेट्स, यहां पर बोल रहा है कि लिक्विड असेट कौन कौन से हैं, डिमांड डिपॉजिट, अच्छा सारे ही लिक्विड है, यहां पर बोल रहा है लिक्विडिटी का आपको सीक्वेंस लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सी है, भाई करेंसी से ज्यादा और लिक्विड क्या होगा, हाथों हाथ पैसा पड़ा हुआ है। दूसरा सेविंग डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट, ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड है क्योंकि उसमें एश्योरिटी रहती है, सेविंग डिपॉजिट में आपका डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से अलग अलग तरीके से हो सकती है। क्लियर, तो ये हो जाएगा क्या ऑप्शन इसका, 4, 1, 3, 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कंडीशन हमें जो भी इकोनॉमी की होती है उस हिसाब से आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी दोनों मतलब काम कर रही होती है। तो अगर देखा जाए इसमें क्या है, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है कह सकते हैं, बट अगेन नैरो कंसेप्ट है। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, यस ये कह सकते हैं आप कि हाँ दिस इज ब्रॉड कंसेप्ट और बड़ी चीजों के बारे में यहां पर बात किया गया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी बहुत ज्यादा नैरो कंसेप्ट हो गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे अदर भी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, तो वो चीज यहां पर स्किप की गई है, इसलिए हम लोग भी ऑप्शन बोलेंगे इसका 14 का सी। 15 के बारे में बात करें, आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हम लोग, दिस वुड इंप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीजें हैं, अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, यस बैंकों के भी अपने अकाउंट होते हैं, बात किए ही थे हम लोग। आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड, यस बिल्कुल पैसे दिए जाते हैं। द आरबीआई एडवाइजेस द सेंट्रल कमर्शियल बैंक ऑन मॉनिटरी मैटर्स, यस जब भी कोई फंसता है तो मैटर तो इसी तरीके से होता है, जैसे अभी यस बैंक में फंसा हुआ था तो आरबीआई ने एडवाइस किया था, इसी तरीके से एचडीएफसी का भी मैटर गड़बड़ हुआ था, एक्सिस का भी मैटर गड़बड़ हुआ था, तो अगेन आरबीआई ने ही इन सब लोगों को एडवाइस दी हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई बढ़ाना है क्या करेंगे आप, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है। अब जरा हम लोग आ जाते हैं अपने इस सेक्टर पे, दिस इज आवर इकोनॉमी, हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं, इनफैक्ट कल से ही देख रहे हैं, और यहां पर हमारी आरबीआई है, यहां पर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, यानी कि फिलहाल में अभी ये क्रंच में चल रही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बोलता है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, सीधी सी बात है, तो क्या दे देगा, इनको पैसा दे देगा, रुपए दे देगा, मनी सप्लाई बढ़ गई, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक, अब यहीं पर पब्लिक है और यहीं पर बैंक है, ये अपना पैसा पार्क कर दें अगर बैंक में, चाहे जितना पैसा पार्क कर दें, क्या इकोनॉमी में कोई फ्लो बढ़ा क्या, नहीं, इकोनॉमी जैसी थी वैसी ही बनी पड़ी है, बाहर से कोई चीज एंटर नहीं किया है और नीचे से कोई चीज बाहर नहीं निकला है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो ऑप्शन टू का कोई मतलब नहीं है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यस बोरोइंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोरो कर लेती है
पैसा बोरो कर ले रही है तो बिल्कुल बाहर से मनी आ रही है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1-3 करेक्ट है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अब ये कह रहा है कि ये सिक्योरिटीज बेच रहा है यानी कि पैसा वापस खींच रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 and 3 आंसर हो जाएगा इसका सी, 16th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लीड बैंक स्कीम के बारे में। तो देखिए लीड बैंक की स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, तो आप इसको हालांकि स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना है करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर होता है इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंस डेवलपमेंट, आंसर इसका सी हो जाता है, स्किप कर सकते हैं आप, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 ये सारा बैंक से रिलेटेड है तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो देखिए बोल रहा है बैंक रेट को लोअर कर दिया गया है, यानी क्या है, अब ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सकता है यानी मोर लिक्विडिटी हो जाएगी, ए ऑप्शन। 21 के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू गवर्नमेंट, क्रेडिट टू गवर्नमेंट के लिए ज्यादा क्या यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो बहुत ही आराम से कोई चीज नहीं है। बाकी देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज हम लोग बात ही कर रखे हैं और जो ये कैश क्रेडिट रेशियो और डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन है ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 ऑल दीज आर रिलेटेड विद बैंक एंड इन्फ्लेशन तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें तो देखिए एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात किया गया है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, तो काफी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था, आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली वॉच इट आउट, 100% पॉसिबिलिटी है इस बार इस क्वेश्चन की आने की इस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में देखिए कहता है ऑप्शन नंबर 1 के पहले बोलता है कि इसमें कौन सी चीज सही नहीं है, तो बोलता है ऑप्शन इलिमिनेट द रिवेन्यू डिफिसिट बाय द एंड ऑफ 2007-8, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन बोरोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बोला गया था, अगर केवल और केवल डिजास्टर सिचुएशन होती है तब केवल और केवल बोरो कर सकते हैं। इलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट 2008-9, नो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, एक प्राइमरी डेफिसिट का फंडा आया था जब एनके सिंह कमेटी फ्रेम में आई थी, क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सी इज रॉन्ग हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें तो कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या चीज सही है, फॉलोइंग क्या चीज है, तो देखिए मेल्ट डाउन का मतलब क्या है कि फॉल इन स्टॉक प्राइस, यस फॉल इन स्टॉक प्राइस को मेल्ट डाउन बोलते हैं। रिसेशन क्या होती है, रिसेशन तब होती है जब फॉल इन जीडीपी हो जाती है, तो देखिए ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, और स्लो डाउन का मतलब होता है फॉल इन ग्रोथ रेट, तो ये दोनों उल्टा पलटी हो गए हैं, 2-3 का ऑप्शन, केवल और केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 अगेन जो होती है वो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे तो आरबीआई अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन, आरबीआई जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर मेंटेन करके रखती है अपने पास में, बैंकों के द्वारा बनाया जाता है जिस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, डिस्कस कर रखे हैं, इसका मतलब क्या है, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीआरआर को इंक्रीज किया जा रहा है, सीआरआर को अगर इंक्रीज करेंगे तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा यानी लेंडिंग अब कम कर सकेंगे, लोन कम देंगे, तो कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड, आरबीआई से क्या मतलब है, ये तो रिजर्व बना के रखा गया है तो करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड, यूनियन गवर्नमेंट से क्या करना है, इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद से कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, अगेन कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली ओनली ए। नेक्स्ट देखिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के बारे में बात किया गया है, तो देखिए दीज आर रेगुलेटरी बॉडीज, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जिसको हम लोगों को देखना रहेगा, जैसे एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको बोला था आरबीआई, आरबीआई जो होती है वो सारे के सारे बैंक्स के बारे में देख रही होती है, बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक जितने भी पेमेंट बैंक वगैरह सब कुछ। फिर होती है एक संस्था आती है जिसका नाम है सेबी, सेबी क्या करती है जितने भी स्टॉक मार्केट है इनके बारे में देख रही होती है, स्टॉक मार्केट को लेकर के। नेक्स्ट होती है जिसको बोला था एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ये देखा करती थी कमोडिटीज को लेकर के, कमोडिटीज ऑयल हो गया या वीट हो गई ये सब जितने भी कमोडिटी होती है वो, हालांकि एसबी जो सेबी है और एफएमसी इन दोनों को अब मर्ज किया जा चुका है तो अब कोई अलग से संस्था नहीं है, खैर फिर भी चलिए ठीक है आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ दोनों अलग अलग करते थे बट नाउ दे हैव बीन मर्ज्ड। इसके अलावा एक होती है जिसको बोला जाता है नाबार्ड, दिस इज नाबार्ड जो रीजनल रूरल बैंक को गवर्न कर रहा होता है,
ठीक है, ये रेगुलेट कर रहा होता है नाबार्ड। इसके अलावा एक और होती है जो एनएचबी होती है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जितनी भी हाउसिंग से रिलेटेड बैंक्स वगैरह होती है या हाउसिंग कंपनीज होती है उनको ये देख रही होती है। क्लियर हो गया? तो सारे रेगुलेटरी मेजर्स मैंने एक साथ ही एक जगह पर डिस्कस कर दिए, हालांकि वी विल डिस्कस दिस इनटू अनदर क्लास। क्या, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन किसको करती थी, फ्यूचर कमोडिटी मार्केट को करती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। हालांकि मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ, तो आपको मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33, ये सारा का सारा बैंकिंग रिलेटेड है, तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। और आगे भी देखिए सारा का सारा वही सेम बैंकिंग रिलेटेड है, तो हम लोग स्किप करके हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दिस इज एंड अवर चैप्टर। अगर मान लीजिए कोई डाउट होता है आपको, तो आप नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। अगर कोई डाउट होता है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वी विल मीट इन 4 PM क्लास करंट अफेयर्स के साथ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।